कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। मैं स्पष्ट बता दूं, मैं एज ए सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अड़ू बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लगा लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। यानी नासा ने इस पर वैज्ञानिक शोध किया है कि एटॉमिक एनर्जी के रेडिएशन से गाय का गोबर बचाता है, इसीलिए हमारा मतलब एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप ले जाता है। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप ले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। तो जब गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है, यह नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्हीं ने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्हें पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग बढ़ता है सर। ये गलत बात है कि विदर्भ की गायें बड़ी छोटी छोटी गायें भी होती है जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है। मैं आने वाले दिन में अब देश के अंदर जो गर्भाधान होगा, जो बच्चे पैदा लेंगे वो केवल बछिया होगा शॉर्टेज सेक्स सीमन के तहत। हम गाय की फैक्ट्री लगा देंगे, गाय पैदा करने की फैक्ट्री। और पशुधन मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं गाय की फैक्ट्री लगाएंगे। ओके सिन्हा जी, सर गाय की फैक्ट्री लगाएंगे, इनको क्या इतराज है, इनको करंट क्यों लगता है? मां की फैक्ट्री लगाएंगे। बोलिए सिन्हा जी। नहीं सर, मां की फैक्ट्री लगेगी देश में, माँ की फैक्ट्री लगेगी सर, माँ की फैक्ट्री लगाएंगे। मैं ये बात ज्यादा लगाई आप बकार साहब को, मजाक मत उड़ाइए, भावनाएं जुड़ी हुई हैं बैठे हुए सभी। आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, मजाक मत उड़ाइए वरना मजाक उड़ाने के हमारे पास विषय बहुत है। आप फैक्ट्री लगाएंगे? जीवन शैली के तौर पर जो मोटे हैं उनको गोमूत्र का अर्क पीना चाहिए, 3 से 5 किलो वेट आपका नेचुरली कम हो जाएगा। ये कब्ज का परमानेंट सॉल्यूशन है, मोटापा की दवाई है, ब्लड को प्यूरिफाइड करती है, लीवर किडनी और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती है ये औषधि। बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधि, गलत कह रही हूँ क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।